अच्छा जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं जहाँ से आम ये लोग तोड़ते हैं, दरख्तों से आम तोड़ते कैसे हैं और उसको फिर कैसे सेव करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। और ये देखें आप, दूर दूर तक माशाल्लाह आम के बागात हैं पूरे, जहाँ तक नज़र डालें आम ही आम। तो ये अभी हमें लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह, कह रहे हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि आम तोड़ते कैसे हैं, उसका जो अमल है वो कैसे होता है। हाँ माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं और पूरे पूरे आमों से लदे हुए। इस वक्त क्योंकि सीज़न है तो हर दरख्त पर काम चल रहा है, हर जगह पे मजदूर लगे हुए माशाल्लाह, और आमों को निकाल निकाल कर पेटियों में डाल रहे हैं। यार ये आवाज़ किस चीज़ की आती है? ये तो आवाज़ आ रही है। बहुत तेज़ आवाज़ है। ये देखें जी, ये आम तोड़ने माशाल्लाह इनके पास एक लंबा सा एक लंबी सी एक इनके पास एक लकड़ी नुमा एक बांस होता है, उस बांस के आगे एक हुक लगा होता है और उस हुक से ये आम को पकड़ कर खींचते हैं। सारे आम ज़मीन पर गिर रहे हैं और फिर ये उसको उठाएंगे, आखिर में जमा करेंगे। देखिए जी, ये एक बांस है, इस बांस के ऊपर ये एक हुक लगा होता है लोहे का, इससे ये पकड़ते हैं आम को और खींचते हैं। कैसे जी? ये देखिए, ये हमारे सामने एक और बहुत बड़ा दरख्त है माशाल्लाह, और ये भी आमों से लदा हुआ है। ये देखिए जी, बहुत खूबसूरत गांव है। और मैंने अभी तक अपनी लाइफ में इतने आम के दरख्त एक साथ नहीं देखे, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और ये देखिए जी, हीरा कंप्यूटर बैठे
पानी पानी तो पिए लेकिन जी। अब ये साहब ऊपर जा रहे हैं और आम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे लगे हुए हैं, तो ये बताएंगे तोड़ते कैसे हैं। सबसे जो ऊपर आम लगे हुए देखते ही साहब बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये वहां से आम नीचे फेंक रहे हैं। ये आम का पका हुआ है, देख। ये देखिए ये देसी आम है माशाल्लाह, और ये पका हुआ आम ऊपर से निकला है। यानी तो हम खाएंगे। तरीका ये है कि ये वहां से फेंक रहे हैं ये, ताकि ये फटे ना नीचे गिर के, तो ये ऊपर से डायरेक्ट इस बोरी पे लगता है, फिर जमीन पे आके गिरता है। आदम पे तू बैठ भाई, छाती दिखी लो, ये छाती इतनी दी जो कि कतर में लगन हो। आज तो वो डाल वही चोट की जगह ही जो इन में छोड़न में जो सब आ जामे आ कर कर ये देखें, ये दो आम जो हैं ये पके हुए निकले। इसको भी हम ट्राई करेंगे, देसी आम है। सारे आम ऊपर जमा करके वो हाथ से थ्रो कर रहे हैं, नीचे आकर डायरेक्ट इन साहब के पास जो बोरी है यहाँ पे लग रहे हैं, ताकि फटे ना टूटे ना। अब ये बाकी लोग भी ऊपर जा रहे हैं। लग जाएगा बहुत जोर से लगेगा। देसी आन गुजरी पे तीन में सुसुरो माल भरे जो कर इन्हें करे वो धुना है। ठीक है।